भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों और शहर की खूबसूरती को जितना बयां किया जाए वो असलियत से काफ़ी कम है। ईमानदारी से कहूँ तो यहाँ देखने लायक इतनी सारी चीज़ें हैं कि पूरा घूमने के लिए 10 दिन भी कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट के वेस्ट बंगाल स्टेट के कलिंगपोंग में डेलो पार्क आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग इसकी खूबसूरती को देखेंगे और इसके कुछ इतिहास के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, हम लोग कलिंगपोंग पहुंच चुके हैं और अब हम लोग चलेंगे डेलो पार्क। और ये रास्ते में आपको कुछ इस तरह के कि यहाँ की सड़कें मिलेंगी, कलिंगपोंग की गलियों होते हुए हम लोग जाएंगे। और यहाँ पहुंचने के लिए आपको यदि फ्लाइट से आप आ रहे हैं तो कलिंगपोंग से नज़दीकी जो हवाई अड्डा है वो बागडोगरा है, जो कि लगभग 80 किलोमीटर दूर पर है। और यदि आप रेलवे से आ रहे हैं तो रेलवे के निकटतम रेलवे स्टेशन है वो जलपाईगुड़ी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर दूरी पर है। और आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो कलिंगपोंग सड़क मार्ग से भली बात ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज हम लोग कलिंगपोंग के पर्यटक स्थल डेलो पार्क की सैर करेंगे और उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। यदि आप सोच रहे होंगे कि ये कलिंगपोंग कहाँ स्थित है तो हम आपको बता दें कि कलिंगपोंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। कलिंगपोंग पश्चिम बंगाल का प्रमुख हिल स्टेशन है और खूबसूरत वादियों में बसा एक सुंदर सा शहर है। दोस्तों, अब हम लोग डेलो पार्क पहुंचने ही वाले हैं, तो तब तक हम लोग डेलो पार्क पहुंचते हैं उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह उन दो पहाड़ियों में से है जो कलिंगपोंग शहर के बीच में स्थित है। कलिंगपोंग एक पहाड़ी पर स्थित है और जो दो पहाड़ियों को जोड़ती है उसका नाम है दूरबीन और डेलो। दूरबीन एक नेपाली शब्द है जिसका मतलब दूरबीन होता है। और रास्ते में आपको कुछ इस तरह के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे। हम लोग वहाँ पर जाएंगे डेलो पार्क, जो कि कलिंगपोंग शहर का सबसे ऊंचा स्थान है वहाँ से, और आपको कुछ सुंदर सा और खूबसूरत सा दृश्य मिलेगा। तो हम लोग डेलो पार्क पहुँच चुके हैं। यदि आप गाड़ी से हैं, फोर व्हीलर से, तो यहाँ गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं या पार्किंग करने के लिए स्थान प्राप्त है। और यदि आप कुछ ब्रेकफास्ट या फिर नहीं खाए खाना तो यहाँ पर एक होटल भी मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर मोमो, पूड़ी या फिर कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं स्नैक्स खा सकते हैं, जैसे कभी हम लोग चाय पी रहे हैं। और यहाँ के जो विंडो साइड है देख सकते हैं, विंडो साइड से आपको बहुत ही सुंदर सा और ऐसा नज़ारा मिलेगा जैसे कि आप जन्नत में पहुँच चुके हैं। और बादलों से ढका हुआ यह पहाड़ आपको मन को मोहित कर देगा। तो दोस्तों, आप इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ उठाते हुए स्नैक्स का मज़ा ले सकते हैं यहाँ से, जिसका अनुभव बहुत ही ज़्यादा रोमांचित होगा। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं डेलो पार्क की तरफ बढ़ते हैं। ये गेट है, यहाँ पे आपको कुछ एंट्री फीस देना होगा या टिकट लेना होगा पर पर्सन के हिसाब से। यदि आप इंडियन है तो 20 रुपीज़ चार्ज किया जाता है और यदि आप फॉरेनर है तो उसका चार्ज 50 रुपीज़ किया जाता है। देखिए, अब हम लोग डेलो पार्क में पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको इसको चारों तरफ से आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, फिर हम लोग ऊपर जाकर भी देखेंगे कि ऊपर से ये कैसा दिखता है। एक बार आप यहाँ से नीचे से देख लीजिए इसके चारों तरफ से। तो दोस्तों, डेलो पार्क का व्यू देखते देखते हम लोग कुछ इसके इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। कलिंगपोंग का जो इतिहास है, 17वीं शताब्दी तक सिक्किम का एक भाग था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूटान के राजा ने इस पर कब्जा कर लिया था। 1865 ईस्वी में इसे दार्जिलिंग में मिला दिया गया। दार्जिलिंग और गैंगटोक जैसे प्रसिद्ध स्थानों के लिए इसी शहर से होकर जाया जाता है, जिसके कारण वर्तमान में इस शहर की व्यस्तता और अधिक हो गई है। कलिंगपोंग 1250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस हिल स्टेशन की गिनती विश्व के प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से की जाती है। और अब हम लोग ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर बैठने के लिए आपको सीट भी उपलब्ध है। और यहाँ से अब ऊपर से हम लोग इसके देखते हैं, जो ऊपर में आपको ये दिख रहा है ये है डेलो टूरिस्ट लॉज। यहाँ भी हम लोग जाएंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ नीचे पे देख लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग जगहों पे ऐसे बनाया हुआ सेट जहाँ पे आप बैठ के इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। और इसके साइड से ऐसे फुटपाथ टाइप के भी बनाया गया है और जहाँ आगे जाके आपका कंचनजंगा के हिल का ब्यूटीफुल सीनरियो व्यू का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ टूरिस्ट यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं उस स्पॉट पे। हम लोग भी चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आने पे कुछ इस तरह का आपको व्यू दिखाई देगा। यदि आप अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ आके यहाँ पे सम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ की पहाड़ों से चलता हुआ ये बादल
यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है जो पर्यटकों को खूब लुभाती है। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डेलो जो लॉज जो है वो कैसा है और इसके सामने का कैसा व्यू है वो आप देख सकते हैं। ये है डेलो टूरिस्ट लॉज। यहाँ पर आने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि ग्रेट प्लेस है यहाँ रहने के लिए फैमिली या फ्रेंड के साथ। लवली व्यू होगा जब स्काई क्लियर होगा तो, और यहाँ से आपको एरियर व्यू भी मिलेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड एक आइडियल मिक्स मिलेगा वैल्यू कंफर्ट और कन्वीनियंस का। और ये जो टूरिस्ट लॉज है ये मैनेज किया जाता है गोरखालैंड हिल काउंसिल के द्वारा। जैसे कि आप देख रहे हैं इस लॉज के सामने बिग लॉन और गार्डन है बच्चों के लिए या फैमिली के लिए इंजॉय करने के लिए। और यदि आप हॉर्स राइडिंग का यहाँ लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो हॉर्स राइडिंग का भी यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया, आप यहाँ पर हॉर्स राइडिंग का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। अब हम लोग इस पार्क के दूसरे छोर पर आ गए हैं। यहाँ से सिक्किम के बर्फ़ से ढक के पहाड़ भी दिखाई देते हैं। तीन जलाशय जिनमें से दो शहर के प्राथमिक पेयजल स्रोत के रूप में काम करते हैं इस पहाड़ी के ऊपर मौजूद है। कलिंगपोंग के शहर, रेल घाटी के आसपास के गांव और तिस्ता नदी और इसकी घाटियां सभी को इस जगह से देखा जा सकता है। इस पहाड़ी के शिखर पे मनोरंजन के लिए बनाया गया यह पार्क जिसमें विदेशी फूलों की सुविधाएँ हैं और पार्क पर्यटक और स्थानीय लोगों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। कुल मिलाकर डेलो पार्क कलिंगपोंग शहर और इसके पड़ोसी पहाड़ी का 360 डिग्री दृश्य प्रदान करता है। यह सुंदर प्राकृतिक पार्क माउंट के सबसे अच्छे दृश्यों में से एक है। तो दोस्तों ये था डेलो पार्क कलिंगपोंग का। यदि कलिंगपोंग के आप और भी कुछ अन्य जगह देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको घर बैठे भारत के कोने कोने के अलग अलग प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों का घूमने का अवसर प्राप्त होगा।